आंदोलन के जरिए ही समाधान निकलता है। इस सवाल के जवाब में हर किसी को वर्तमान परिस्थिति में संशय जरूर होगा, क्योंकि किसान आंदोलन पिछले 11 महीने से जारी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। आज एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। भले ही संयुक्त किसान मोर्चा का यह आंदोलन अपनी मांगों के लिए जायज हो सकता है, परंतु यह भी सच है कि किसानों के इस भारत बंद की वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी कार्यशैली को जारी रखते हैं और बिना आराम किए वह अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी है, तो वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात तूफान है। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है। संगठनों का यह भारत बंद सुबह 6 बजे शुरू हुआ, जबकि यह 4 बजे तक चलेगा। किसानों के भारत बंद की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में राजमार्गों पर जाम की स्थिति है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहले से ही हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। ऐसे में आज भारत बंद के आह्वान के बाद इन इलाकों में किसानों का विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और आसपास के इलाकों में सफ़र करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। गुरुग्राम से दिल्ली, नोएडा से दिल्ली और गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों पर काफ़ी जाम दिख रही है। यूपी गाजियाबाद बॉर्डर पर पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। लाल किले के आसपास भी रास्ता बंद है। दिल्ली नोएडा के लिए DND का इस्तेमाल करके आप सफ़र ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यह काफ़ी जाम है। साथ ही साथ अगर आपको गाजियाबाद जाना है तो विकास मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं भारत बंद की वजह से मेट्रो परिचालन पर भी असर पड़ा है। पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, NH9, NH24 पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। दिल्ली अमृतसर हाईवे, दिल्ली अम्बाला, दिल्ली चंडीगढ़ के रास्तों पर भी किसान जाम लगाकर बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। प्रोग्राम ये है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है, और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है, या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए, और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करिए कि वो भी आज बंद रखें और 3-4 बजे के बाद में खोल लें। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान गुलाब में तब्दील हो गया है। चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार मई में तबाही मचाने वाले यास तूफान के बाद 4 महीनों के बाद राज्य में आया दूसरा तूफान है। नरेंद्र मोदी ने भी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी से बात की और चक्रवाती तूफान गुलाब से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने में केंद्र की ओर से हर प्रकार के मदद का भरोसा दिया है। खबर यह भी है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के रहने वाले 2 मछुआरों की बंगाल की खाड़ी में उठे गुलाब तूफान की चपेट में आने से मौत हो गई है, जबकि 1 के लापता होने की भी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक नए संसद भवन का निर्माण कार्य देखने पहुंच गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां लगभग 1 घंटे बिताया और निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसी दौरान निर्माण कार्य में लगा लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। यह इमारत सेंट्रल विस्ता परियोजना का हिस्सा है, जिसे विपक्ष की आलोचना का शिकार होना पड़ा है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार 2022 में संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा।
संसद के नए भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग फुट होगा। इसमें एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक धरोहर को संयोजा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय हित में है और इससे विकास की दौड़ में पिछड़ रहे समुदायों की प्रगति में मदद मिलेगी। उच्चतम न्यायालय में केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने संवाददाताओं से कहा कि यह बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि यह मामला सीधे तौर पर जातिगत जनगणना के मुद्दे से संबंधित नहीं था। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मांग की कि देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आजादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आजादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी जरूरत है और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे। और रही बात आप कहिएगा राज्य में, तो हम लोग राज्य में फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे। ये हो जाएगा तो ये देश के हित में है, देश के विकास में इससे ज्यादा सहूलियत होगी। तो सभी राज्यों में आपको पता चलेगा कि लोग चाहते हैं कि जरूर जातिगत जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस एक बार जरूर होना चाहिए जिससे देश को भला हो।